गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सईद प्रमोद बीएससी बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, सब्जेक्ट बोटनी और आज का टॉपिक है वॉलवर्क्स। अब मैं वॉलवर्क्स में बताऊंगी इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, की डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और जीनस। डिवीजन इसका क्या है? क्लोरोफाइटा। क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर वॉलवर्कल्स। जीनस वॉलवर्क्स। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर, वॉल्वर्स का स्ट्रक्चर, वॉल्वर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? वॉल्वर्स इज अ कॉलोनियल फॉर्म। ईच कॉलोनी इज ऑफ द साइज ऑफ इन पिन हेड एंड स्फेरिकल टू अवॉइड इन आउटलाइंस। ईच कॉलोनी ऑफ वॉल्वर्स डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 500 to 60,000 सेल्स। द होल कॉलोनी रिमेन्स सराउंडेड बाई कॉमन मिसिग्नियस स्ट्रिप। द सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर थिक एंड जेलेटिनियस, ऑफ्टन विथ मिडिल लैमिना विथ फॉर्म ऑफ पॉलीगोनियल पैटर्न बिटवीन द सेल्स। द सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर कनेक्टेड टूगेदर बाय मीन्स फोटोप्लाज्मिक स्टैंड। द होल कॉलोनी मूव्स एंड रोटेट स्लोली बाय द कंसर्टेड एक्शन ऑफ फेजिला। लास्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट म्यूकस फ्रॉम एंटीरियर एंड ऑफ ईच सेल्स। वॉल्वर्क्स इज ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन एंड मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड। ठीक है, क्या होगा? कॉलोनियल फॉर्म होंगे वॉल्वर्क्स। जो प्लांट बॉडी है जो होते हैं वो हॉलो स्फीयर होंगे फ्रॉम, और जो ग्रो करता है इनमें वाटर फ्लूइड की तरह एंटीरियर वाटर होते होंगे। सेल्स प्रेजेंट होंगे किस कैसे? पेरीफेरी। और 500 to 60,000 सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक, और होल कॉलोनी, और क्या होंगे? जो होल कॉलोनी सराउंडेड बाय किससे सराउंडेड होगा? मिसिलेनियस स्थित के होंगे सराउंडेड चारों तरफ। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ गए, अब मैं इसका डायग्राम बताती हूँ। ये वॉल्वर्स का स्ट्रक्चर, पहले तो ये देखिए कॉलोनियल, यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये जो बीच का गैप, ये जेलेटिनियस सेल वॉल, और यहाँ जो है वो गोनेडियम जो कि रिप्रोडक्टिव सेल करते हैं, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। अब इसका अंदर का सेक्शन देखो, ये जो एस यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं एस टाइप का, ये क्या है? फेजिला। यहाँ डॉट आई स्पॉट क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा है कैसे क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अब इस पे आ जाइए, रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर तो समझ गए, पहले सिस्टमेटिक पोजीशन और अब स्ट्रक्चर और अब रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होंगे। अब इनका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या हो? दो टाइप्स के होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना? दो टाइप के होंगे, सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सबसे पहले मैं बताऊंगी एक एक करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में देखें, एसेक्सुअल में क्या होगा? दिस टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ गोनोडिया बाय पार्थेनोजेनेसिया, पार्थेनोगोनिडिया। ठीक, एनी सेल्स फॉर्म द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ कॉलोनी फंक्शन एज गोनेडिया इनिशियल सेल्स। इट इंक्रीज इन साइज एंड इट्स प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली इंटू टू एंड फोर, देन 8 सेल्स फाइनली अ फ्लैट मल्टीसेलुलर प्लेट ऑफ स्मॉल सेल्स इज फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट डिवीजन 16 सेल्स एंड अ लेटर स्मॉल होलोस्फीयर
8 स्फीयर होंगे विथ अ पोर द फेलोपियर एट द आउटर फेयर इन प्रोड्यूस इनवर्ड्स आर कैविटी ऑफ स्फीयर नाउ द सेल डिवीजन द यंग कॉलोनी कर्व इनवर्ड्स एट द मिडिल लाइक सोर्सेस देन टर्न इट सेल्फ इनसाइड आउट द इन्वेंशन गेट completed in 3 to 5 hours. Fazilla are developed shortly after inversion on the pointed in 2 cells. Now directed outwards in this way new daughter colony is produced inside the parent colony enclosed within the enlarged parent gonadia. Okay, the daughter colony slowly revolves within the parent cell which eventually devolves into mucilage membrane surrounded the young colony. The phylloper of adult or adult at any place. क्या होगा सेक्सुअल एसेक्सुअल में? वॉल्वेक्स जो है वो रिप्रोड्यूस क्या करेगा? एसेक्सुअली और सेक्सुअली करेंगे रिप्रोडक्शन. ठीक है, किस कंडीशन में? फेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और समर सीजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट टू एंड ऑफ समर सीजन. पोस्टेरियर पार्ट में कुछ पार्ट जो है वो लार्ज हो जाते हैं और कॉलोनी में फूड स्टोर करने लगता है. ठीक है, अब देखो, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाता है और फर्स्ट डिवीजन सबसे पहले गोनेडियम का लॉन्गिट्यूडनल होता है एंटेरियर से पोस्टेरियर. ठीक है, फिर दूसरा डिवीजन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल तो होंगे लेकिन राइट एंगल ऑफ फर्स्ट डिवीजन. जैसे कि देखो, हम एक एप्पल ले लिए, ठीक है, उसको कट करेंगे, चार भाग होंगे, फिर से कट करेंगे तो क्या होगा? 8 part cells बनेंगे. फिर 8 plates, उसमें क्या होगा? 8 जो cells होंगे वो क्या होगा? प्लेट की तरह होंगे ना. कट करेंगे पहले तो 4 होंगे, फिर 8 करेंगे तो प्लेट्स की तरह कट हो जाएंगे. और फिर अगर 8 cells को डिवाइड करें तो 16 cells में होंगे. ठीक है ना, समझ रहे हो ना कि पहले एक एप्पल लिए, फिर उसको कट किए और फिर उसको जैसे फोर, पहले तो क्या होगा, 4 से 8 बना, फिर 8 से 16, फिर क्या होगा, हॉलो स्फीयर के रूप में स्थिर हो जाते हैं. ठीक है, इनका तब तक डिवीजन होते रहता है जब तक स्पीसीज सेल के इतना ना हो जाए. कब तक डिवीजन होते रहेगा? जब तक स्पीसीज सेल के इतना ना हो जाए. जब पूरा हो जाए तब तक दूसरे से जुड़ा रहता है, जब तक वो पूरा ना हो जाए. ठीक है, अब इसमें इन्वेंशन का जो वर्ड आया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मतलब कि जैसे देखो सॉक्स पहनते हैं ना तो उसको खोलने के बाद वो उल्टा हो जाते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है, उल्टा हो जाता है. सेल्स जो है वो गोला जो है वो उल्टा हो जाते हैं. फिलाफोर जो क्लोज हो जाते हैं और पूरी जो कॉलोनी है वो गोल हो जाती है. सेल्स क्रिएट करता है डिवॉल्व की फेजिला एंड आई स्पॉट रिपेयर हो जाती है. हर सेल्स के चारों तरफ, इसमें हर सेल्स के चारों तरफ जेलेटिनियस स्थित पाई जाती हैं. और मैंने अभी बोला ना कि कितना आवर लगते हैं, 3 to 5 hours इस प्रोसेस में लग जाते हैं एक न्यू कॉलोनी बनाने के लिए. ठीक है ना, अभी जो मैं प्रोसेस बोली 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बोली ना, इस प्रोसेस को पूरा लग जाता है कितना टाइम लगता है? 3 से 5 hours लग जाते हैं इसमें. और तब तक नहीं होता जब तक वो एक बराबर स्पीसीज के ना हो जाए, तभी ना न्यू कॉलोनी होंगे. समझ में आ गया? एसेक्सुअल
कैसे क्या प्रोसेस था और कितना टाइम लगा इसमें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल तो हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन वॉल्विक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगोनिया टाइप, सम स्पीसीज आर मोनोसियस और होमोथैलिक वाइल अदर आर डायोसियस और हेट्रोथैलिक। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन द एंड ऑफ सीजन व्हेन द कंडीशन आर कंप्लीटली डायर। द मोनोसियस स्पीसीज आर प्रोटेंड्रस, द एंथ्रेडिरिया मैच्योर बिफोर ओगोनिया। यूजली अ कॉलोनी इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैव गोनोडिया। द सेक्सुअल सेल्स विच आर कंप्लीटली बिगर देन द वेजिटेटिव सेल्स आर सिचुएटेड इन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ कॉलोनी एंड दीज आर कॉल्ड गैमेटिगेनिया। द मेल एंड फीमेल गैमेटिगेनिया आर कॉल्ड एंथ्रेडिरिया एंड ओगोनिया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल्स डिस्टिंग टू फॉर्म डॉटर कॉलोनी विद्रॉ इट्स फैजिला एंड इंक्रीज इन साइज। दीज आर कॉल्ड गोनेडिया। इन दिस डिविजन इज लॉन्गिट्यूडनल द सेल डाउन इन प्लेन longitudinal to the conobidium, after this division is again longitudinal, but the wall is laid down at right angle to the first each of the four cells divide again longitudinal to form curve 8 cells. A stage called Planck's stage. इट फेस इन कनकेव। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओगोनिया टाइप होंगे और कुछ जब इसमें ग्रोइंग सीजन खत्म होने को होते हैं उस समय वॉल्वक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाते होने को स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है इनमें जिस कॉलोनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही होता है, आमतौर पर इसमें देखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही होंगे। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वॉल्वस के कुछ स्पीसीज मोनोसियस होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही एक ही कॉलोनी पे डिवॉल्व हो जाते हैं। क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों एक ही कॉलोनी पे डिवॉल्व हो जाते हैं। कुछ स्पीसीज क्या होंगे? डायोसियस होंगे, जो कि एक प्रकार के सेक्स ऑर्गेन प्लांट पे पाया जाता है, उसे डायोसियस कॉलोनी कहते हैं। मोनोसियस स्पीसीज जो हैं वो प्रोटेंड्रियस पहले बनते हैं और फीमेल बाद में बनते हैं। प्रोटेंड्रियस पहले क्या मेल ऑर्गेन्स होते हैं, प्रोटेंड्रियस मतलब, और ओगोनिया मतलब फीमेल। क्या होगा? पहले क्या होगा, मेल बनेगा फिर बाद में फीमेल। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो पहले फीमेल बनते हैं फिर बाद में मेल बनता है। पहले क्या होगा? फीमेल, फिर बाद में मेल बनता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो कॉलोनी के पोस्टेरियर पार्ट में होती है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स इनलार्ज हो जाती है और उनके फैजिला खत्म हो जाती हैं उससे गैमेटोगेनिया बोलते हैं। दो तरह का गैमेटोगेनिया होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोगेनिया। मेल मतलब एंथ्रेडिरिया और फीमेल ओगोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या होगा, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अब इसका क्या है लाइफ साइकिल, अब इस जो समझाया उसका लाइफ साइकिल भी तो बताना है ना। एक डायग्राम बताऊंगी लाइफ साइकिल, फिर उसको समझाऊंगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन अब बताऊंगी। यहाँ देखो वॉल्वक्स गोनेडिया का कैसे हो रहा है, डॉटर सेल्स, फिर वॉल्वक्स में क्या हो रहा है, एंथ्रेडियम गोनेडियम से फॉर्मेशन होकर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं दोनों, फिर जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर मियोसिस
और फिर जूस्पोर, और ये कॉलोनी, नया कॉलोनी बना के फिर वॉल्विक्स में ये कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बोला कि वॉल्विक्स से एंथेडेडिया का फॉर्मेशन होके एंथेजॉइड बना के फिर यहाँ पे क्या, गोनेडियम का फॉर्मेशन, फिर ऊगोनियम, ऊगोनियम जो एक सेल्स बनाएंगे, और फिर मेल से आके जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे मियोसिस का फॉर्मेशन होगा जो जूस्पोर हैप्लोइड सेल बनाएगा। ठीक है, हैप्लोइड सेल बना के जूस्पोर में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे एक नया कॉलोनी का फॉर्मेशन होके जिससे फिर से एक सिनोबियम बनाएगा। ठीक है, यहाँ जो डॉटर कॉलोनी है, ठीक है, जिसे पेरेंट कॉलोनी को रिमूव करके एक सिनोबियम का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना ये साइकिल ऊपर क्या, एसेक्सुअल, और नीचे सेक्सुअल, ये अपना साइकिल रिपीट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल समझ गए यहाँ पे डायग्रामेटिक। लाइफ पहले तो सेक्सुअल सेक्सुअल, और अब लाइफ साइकिल भी समझ के वॉल्विक्स के कैसे क्या होगा, सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सेक्सुअल, और अब लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक पोजीशन कर दिए, हो गया यहाँ पर वॉल्विक्स का।